वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, हर एक जगह यूज़ होता है ये फिनोमेना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड क्यों पढ़ रहे हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं हम, उनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो जनरली कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास चार सेपरेशन तो होती नहीं कि ये प्लस है और ये माइनस है। चार सेपरेशन कब आती है? अगर कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करे, मतलब एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसकी वजह से उस पर चार सेपरेशन आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हम जो बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, लोन पेयर को डिस्प्लेस कराते हैं। उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है? अगर कंपाउंड है, कंपाउंड ने कोई रिएक्शन शो करनी है, तो रिएक्शन तो एज इट इज़ हो नहीं जाएगी। कि जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा और इसकी जो रिएक्शन होगी किसी के भी साथ, तो ये फॉर्म हो गया, तो ऐसे तो होगा नहीं। पहले इसमें कुछ हो, कंपाउंड ये रिएक्शन शो करने से पहले इसमें कुछ फॉर्म होगा। तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे तभी ये मैंने ऐसे ही बनाया, रेडिकल्स बनाए हैं, ये रेडिकल्स फॉर्म होंगे और रिएक्शन होगी। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्शन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इसलिए होती है, अगर कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है, अटैक करने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह चाहिए होती है, और अटैक करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए होता है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं वो हमने फोर टाइप्स की पढ़नी है। तो वो कौन सी फोर टाइप है वो देखते हैं। तो जो फोर्थ टाइप की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होते हैं। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इसमें पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होता है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड, लोन पेयर डिस्प्लेस हो सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन जो होती हैं वो मल्टीपल, जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें सिग्मा और पाई के बीच में इंट्रैक्शन जो फॉर्म होती है, दिस इज़ ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो हम वन बाय वन ये सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उनमें डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेस होंगे, उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो सैचुरेटेड होंगे, सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इनमें हम कोवलेंट पोलर बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हैं, और कई वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे CH3Cl मॉलिक्यूल लिखा है, इसमें कोई मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा, बट वी नो जो क्लोरीन है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जनरली टू टाइप्स का हो सकता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। तो जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या मतलब है, ये मैंने कार्बन चेन कंसिडर कर ली, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को अपने अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। बट क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पुल करने की, ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इस पे कम जाएंगे और इस पे कम जाएंगे और इस पे कम। तो इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्लस आई इफेक्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं टुवर्ड्स कार्बन चेन। बट इन दिस केस माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस कार्बन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा क्योंकि वो उससे नज़दीक है, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अभी ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा बट कम हो गए, यही वाला ग्रुप पुल कर रहा है, ये इससे कम होंगे, इससे सबसे कम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कम पुल हो रहे हैं इसकी तरफ। तो इस पे जितना नेगेटिव, मैंने डैश लिखा है, नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इधर सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पे डबल पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, जितना भी। तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज़ इक्वल टू दी नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने के कारण रिएक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली, Cl, H और H। अभी जो अटैकिंग रिएजेंट है OH नेगेटिव, उसने अटैक करना है इस कार्बन पे, अटैक करना है उसने, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसने अगर इस पे अटैक करना है तो एक ग्रुप को बाहर जाना होगा, एक एटम को बाहर जाना होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है। अभी कार्बन और हाइड्रोजन में तो इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो हाइड्रोजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये बॉन्ड जो हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा और ये इस पे अटैक कर पाएगा। अगर ये इस पे अटैक कर पाएगा तो जो कंपाउंड है न्यू अल्कोहल फॉर्म हो पाएगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, अटैक करवाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी होती हैं। तो जो होते हैं प्लस माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जनरली नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, हेलोजन, सभी हेलोजन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जिनमें लून पेयर, जिन पे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आ जाते हैं, इसमें और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे COOR आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं दैट आर, ऐसे हम जनरली डिफाइन नहीं कर पाते, डिपेंड करता है वो किसके साथ अटैच है। अगर वो कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन और नाइट्रोजन अगर ये लगा है NO2, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रो से, तो ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो जो प्लस ये माइनस आई होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, नाइट्रो साइनो ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दैट आर जनरल आर ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आर ग्रुप्स आर अल्काइल ग्रुप्स। इसमें अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, और भी कई होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो आर ग्रुप्स होंगे। इनमें हम कार्बन के साथ अगर ये ग्रुप अटैच है, मिथॉक्सी, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जनरली आर ग्रुप्स ही आते हैं, डिपेंड करता है कि हम जब कंपेयर करेंगे, इनका कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी जो तीन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।